पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर तथा भारत माता मंदिर के महंत महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद जी महाराज के श्रीमुख से हम महाशिवरात्रि पर्व का महत्व जानना चाहेंगे। विश्व की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड पतित पावनी माता भागीरथी के तट पे हरिद्वार, सबसे प्रथम तो मैं महाशिवरात्रि पर्व की सभी देशवासियों के लिए, सभी भक्तों के लिए हार्दिक मंगल कामना करता हूँ और मीडिया बंदों के लिए भी, आपके चैनल के लिए भी हार्दिक मंगल कामना करता हूँ। तो जो आप इस शुभ अवसर को पूरे जनता को अपने मीडिया के माध्यम से जो दिखाने का कार्य जो कर रहे हैं, उससे हमारे आध्यात्मिक शक्ति की ऊर्जा बढ़ेगी, लोगों में श्रद्धा होगी। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। शिवरात्रि का पर्व भगवान शंकर का, माता पार्वती का जो है मिलन है और कई प्रकार की जो है इसमें अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कल्प के हिसाब से अलग अलग हिसाब से सब लोग बताते हैं। तो वैसे भगवान शंकर माता पार्वती आज के दिन जो है उनका मिलन होता है। राजा बलि ने जो ब्रह्मा विष्णु महेश को चार चार महीने के लिए अपने दरवाजे की उसमें रखा था कि जिस भी मैं निकलूँगा मैं आपके दर्शन करूँगा। आज के दिन भगवान शंकर जो है अब उनका धुना ऊपर आता है, माता पार्वती से उनका मिलन होता है, इसलिए शिवरात्रि इसको बोला जाता है। और आज के दिन प्रत्येक शिवलिंग में, प्रत्येक मंदिरों में भगवान शंकर साक्षात विराजमान होते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। और जो आज के दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाता है उसे पूरे साल भर का पुण्य जो है प्राप्त होता है। तो बहुत बड़े बड़े विद्वान अलग अलग प्रकार के हिसाब से इसका तथ्य बताते हैं। हमको इतने विद्वान तो है नहीं, लेकिन आज शिवरात्रि का महापर्व है, भगवान शंकर का जितना हम आशीर्वाद ले सकें। और ये भगवान शंकर की नगरी है, दक्ष की नगरी है और हरिद्वारी माया देवी, हरिद्वार माया देवी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। और यहाँ भगवान की शिवरात्रि का महापर्व इस विशेष अवसर पर हरिद्वार में अगर हम लोग मनाते हैं तो उसका अनंत गुणा जो है फल की प्राप्ति होती है।